सात हज़ार सात सौ चवालीस का वर्गमूल कितना होता है अभी हम सीखेंगे वर्गमूल को कैसे लिखते हैं अपना अंडूट से और अंडूट का मतलब क्या होता है इसका घात एक बटे दो कौन सा विधि काम में लेंगे डिवीजन मेथड यानी भाग विधि करना क्या है बिल्कुल सिंपल है राइट टू लेफ्ट यानी आपके दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर दो अंकों को साथ लेंगे अंडरलाइन आगे में कितने आ रहे हैं दो अंक की संख्या आ रहा है सतहत्तर इस संख्या के लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे यह संख्या लेंगे एक से लेकर नौ तक जिसका खुद के साथ गुणा करने पर आपका सेवेंटी सेवन से बड़ी ना हो संख्या ठीक है तो लगाओ दिमाग ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है तो जैसे हमने आठ गुना आठ लिया चौसठ आ रहा है इससे बड़ा नहीं आगे नौ गुणा नौ लिया इक्यासी आ रहा है जो कि इससे बड़ा है हमें बड़ी संख्या तो नहीं चाहिए तो हम नौ गुणा नौ नहीं लेंगे किसको लेंगे आठ गुणा आठ को कितना आ गया चौंसठ और ऐसे वर्गमूल से संबंधित हमारे खूब सारे वीडियो आए हुए हैं उन्हें देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करें वर्गमूल भाई सुरेंद्र खिलेरी इसको लिया हमने आठ को तो यहाँ ऊपर लिख देंगे अगले स्टेप में इसको जोड़ना है और इसको घटाना है घटाने पे कितना आ रहा है आपका तीन और एक ऊपर से जो दो अंक हमने अंडरलाइन कर रखे हैं उसको यहाँ नीचे ले आएंगे। अब इसको आपने क्या समझा स्टेप फर्स्ट क्या किया बोलिए संख्या लिया स्टेप सेकंड उसका गुणा किया तीसरे स्टेप में जोड़ा घटाया अब ये जो तीन स्टेप हमने किए हैं उनको वापस दोहराना है कैसे स्टेप फर्स्ट संख्या लेंगे तो संख्या क्या करेंगे इसके साथ लिखेंगे तो जैसे लगाओ दिमाग किसको ध्यान में रखते हुए लेना इसको कि इससे बड़ा ना हो तो आठ लिया तो आठ का ही गुणा करेंगे कितना हो गया आठवा आठ चौसठ छः के लिए गया आठ सन अड़तालीस और छः चौपन पाँच के लिए गया आठ पाँच तेरह ठीक है एग्जैक्ट हमें यही मिल गया किसको लिया है आठ को तो एक अच्छे ब्रिटिश के बाद आप ऐसे डायरेक्ट संख्या का चुनाव कर पाएंगे ठीक है और शुरुआत में दिक्कत आती है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें आपके लिए आसान होने लगती है फिर हमने घटाया जीरो आ गया आगे कोई अंक नहीं है मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया यह जो वैल्यू निकला है कितना 88, ये आपका सात का वर्गमूल है ओके आसान है